आपसे पूछूं कि रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आप बोलेंगे 1971 के अंदर ईरान के अंदर आयोजित किए गए। और कल फ्राइडे को ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां के टॉप न्यूक्लियर प्रोग्रामर मोहसेन साइंटिस्ट की हत्या हो गई, ये अटैक हुआ है उनके ऊपर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। बात ही पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी एक ड्रोन के द्वारा। और वैसे तो ये बात आपको पता ही होगी कि ईरान और यूएसए के संबंध अच्छे नहीं है। ईरान कोई काम करता है, कोई अच्छा नाभिकीय परीक्षण करता है, तो दोस्तों यूएसए को प्रॉब्लम होती है और उसको काट्सा एक्ट के तहत भी रखा गया है। या किस तरह से हुई है क्या है कि ईरान के अंदर एप्सोड नामक एक स्थान है जहां से वो एप्सोड रोड से होते हुए उनके बीच में ही अटैक हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये इजराइल और यूएई के कारण हुआ है। दोस्तों अभी कोई क्लियर साफ नहीं हुआ है मामला। धीरे धीरे इस न्यूज को सभी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है और बीबीसी के अंदर और के अंदर भी इस न्यूज को देख सकते हो। एक्ट के तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी देश ईरान के साथ समझौता या ट्रेडिंग नहीं कर सकता। बस दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने आया हूँ आपको कि जो सबसे बड़ी न्यूज है और ये कवर कर रहे हैं सभी लोग। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और यदि चैनल पे आए हैं तो वो लाल वाला बटन किस लिए दिया है, उस लाल वाले बटन को अपने चिकने चमेले हाथों से सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आपको छोड़ के न जाए, आपके पास आए।